नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं पूजा मल्होत्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं हर उस नेशनल स्कीम के बारे में जो जुड़ी है आपके फायदे से। और आज हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन योजना पर। तो मुद्रा लोन योजना है क्या, आइए समझते हैं और देखते हैं इस योजना का सार। देश की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों की बड़ी भूमिका है। खेती के बाद छोटे उद्यम ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि गैर कॉरपोरेट छोटे कारोबार भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत सारे लोग इसी तरह के उद्यम लगाने का इरादा रखते हैं या पहले से चल रहे कारोबार को नई रफ्तार देना चाहते हैं। हाथ में पैसा न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी ओर छोटे कारोबारियों को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लोन मिलना मुश्किल होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आई। एक ऐसी योजना जो छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से दिलाती है। ये गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि ऋण है, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा कहा जाता है। इसके तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के अलावा मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। कारोबार की जरूरत और उसकी ग्रोथ को देखते हुए तीन तरह के मुद्रा लोन हैं। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, जबकि तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक के कर्ज का प्रावधान है। मुद्रा लोन में कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग अलग बैंक RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार अलग अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं। इसे कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय किया जाता है। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है। इस साल अप्रैल में मुद्रा योजना ने 7 साल पूरे किए हैं। इन 7 सालों के दौरान कुल 18,60,000 करोड़ रुपए के मुद्रा लोन मंजूर किए गए और 34,42,00,000 से भी ज्यादा ऋण खाते खोले गए। कमाल की बात ये है कि 2/3 से भी अधिक यानी 68% खाते महिलाओं के लिए मंजूर किए गए। 22% कर्ज नए उद्यमियों को दिए गए। इनके अलावा 23% लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के, जबकि 28% OBC समुदाय के हिस्से में आए। अल्पसंख्यक समुदाय को पहले 7 साल में 11% लोन मिले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की ही बात करें तो 26 जून तक 92,09,851 लोन मंजूर किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्यमियों के बीच ये योजना कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। सरकार नए और युवा उद्यमियों का खास ख्याल रख रही है, इसीलिए उनकी प्राथमिकता शिशु लोन है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 86% लोन इसी श्रेणी में दिए गए हैं। किशोर को 12 और तरुण को 2% कर्ज मिला है। शिशु लोन को समय पर चुकाने से ब्याज में 2% तक की छूट मिल जाती है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे इस योजना के बारे में। जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मुद्रा लोन योजना के बारे में, तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका क्या तरीका है, इसके बारे में देखते हैं और जानते हैं। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कमर्शियल बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB, लघु वित्तीय संस्थान यानी कि MFI, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC से मुद्रा लोन ले सकते हैं। आप बैंक की शाखा जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज के बारे में जानकारी लेता है, उस आधार पर आपका मुद्रा लोन मंजूर करता है। कामकाज की प्रकृति के हिसाब से बैंक मैनेजर आपसे मुद्रा लोन लेने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए कह सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ये काम इसके आधिकारिक पोर्टल www.mudra.org.in पर जाकर होगा। पोर्टल के होम पेज पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ क्विक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इसमें उद्यमी मित्र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का नया पेज खुलेगा। ड्रैग करके नीचे जाएंगे, यहाँ कई बॉक्स हैं। एक बॉक्स में मुद्रा लोन लिखा, यहीं पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब आपको स्क्रीन पर यह दिखाई देगी। यहाँ आपको बताना है कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से ही कोई कारोबार कर रहे हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं। तीनों में से आप जो भी हैं उस पर क्लिक करेंगे और नीचे वाले बॉक्स में अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने अभी अभी दर्ज किया है उस पर OTP आएगा, जिसे यहाँ भर देना है और ओके पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपका राज्य, जिला, शहर का नाम लिखा जाएगा। मकान के बारे में पूछा जाएगा कि यह आपका है या किराए का। जाति के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता, काम, आपका अनुभव, सब कुछ बताना होगा। जो भी बिजनेस आपको करना है उसे पहले ही सोच कर रखें, क्योंकि इस फॉर्म में आपको अपने कारोबार के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। किस क्षेत्र में कारोबार करना चाहते हैं उसके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। किसी एक का चुनाव करें। इस बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि सरकार की तरफ से चलाए जा रहे कौशल कार्यक्रम में आपको शामिल होना है या नहीं, तो अपनी इच्छा के अनुसार यस या नो का ऑप्शन चुन सकते हैं। आपको ये भी बताना होगा कि जो कारोबार आपने चुना है उसका कोई बैकग्राउंड आपके पास है या नहीं। इसका जवाब भी यस और नो में देना है। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद भी मांग सकते हैं। पुराने लोन की जानकारी यहाँ दी जाएगी। लोन है तो यस, नहीं तो नो। अब आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा, तो गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा। लोन अप्लाई करने या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद चाहिए तो पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो हरे बक्से में अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे कि आपको शिशु लोन चाहिए, किशोर लोन चाहिए या तरुण लोन चाहिए। मान लीजिए आपको किशोर लोन चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें बिजनेस के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। इसे भरकर पहले सेव और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक और पेज खुलेगा, यहाँ पर भी जो जानकारी मांगी गई है उसे भरेंगे। आप चाहें तो यहाँ अपने पसंदीदा बैंक से लोन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म में आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा। जो भी कागजात लगाए वो 250 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो और बिजनेस की बैलेंस शीट के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लालजू, किशोर और तरुण, जिस कैटेगरी में भी आपको लोन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन पेज खुलेगा। इसको आराम से पढ़ें और समझें। यहाँ टिक लगाएंगे और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट माई डिटेल्स का विकल्प चुनेंगे। लीजिए, हो गया आपका मुद्रा लोन अप्लाई। एक रेफरेंस नंबर यहाँ आपको मिलेगा, उसे संभाल कर रखना है। एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर और ईमेल से आपको मिल जाएगा। और अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे किसान भाइयों के सवाल और हमारे विशेषज्ञों के जवाब। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में, और समय है हमारे किसान भाइयों के सवालों का। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ आज मौजूद हैं, प्रेम शंकर सिंह जी जो जवाब देंगे। आइए देखते हैं, मुद्रा योजना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ प्रेम शंकर सिंह जो कि सहायक महाप्रबंधक है पंजाब एंड सिंध बैंक में। प्रेम शंकर जी आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये मुद्रा लोन योजना है क्या और किस तरह से कैसे ये लोगों को फायदा पहुंचा रही है। जी, मुद्रा लोन जो जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, यह प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में भारतवर्ष में लागू किया गया था। और इस ऋण जो स्कीम लाई थी सरकार ने, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे ऐसे व्यापारी और व्यापारी वर्ग के लोगों को फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराना जो बैंकों से कर्ज लेकर नहीं, साहूकार और ऐसे ऐसे हाई रेट पर लोन लेते हैं जो मार्केट से उठाते हैं या साहूकारों से लेते हैं और उनकी वजह से उनको मुनाफे में कमी होती है। तो इसको सरकार ने देखते हुए बैंकों को निर्देश किया कि इस स्कीम के तहत आप 50,000 से लेकर के 10,00,000 तक की ऋण सुविधा ऐसे छोटे उद्यमियों को उपलब्ध कराइए जिनको इसकी आवश्यकता है और वो उसका लाभ उठावें। इसमें मुख्य रूप से इस लोन को 3 भाग में सरकार ने डिवाइड किया हुआ है कि सरकार का मकसद था इस ऋण को आवश्यकता अनुसार समय समय पर लोगों को उपलब्ध कराना। तो पहला कैटेगरी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बनाया शिशु का, उसमें 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा की सुविधा उपलब्ध होती है और सरकारी बैंकों एवं अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इसे मुहैया कराया जाता है। दूसरा कैटेगरी है किशोर का, जिसमें 50,000 से ऊपर 5,00,000 तक की ऋण की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा है तरुण, इसमें 5,00,000 से ऊपर एवं 10,00,000 तक की अंतिम राशि है जो हमारे उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस ऋण की जैसे सरकार का मेन मकसद था कि जैसे जैसे व्यापार में कोई बढ़ोतरी करता है उसी अनुसार उनकी आवश्यकता भी पूरी की जाए। तो इसमें जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हर तरह के अपने उद्योग से निर्धारित, सिर्फ एक ही कैटेगरी जो डायरेक्ट फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर लोन है, उसको छोड़ करके बाकी हर तरह के कार्य के लिए इसमें से आप लोन उपलब्ध सरकार बैंक्स कराती हैं और उद्यमी हम इसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से जगह पर ये लोन दिया जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि डायरेक्ट फार्मिंग, आप क्रॉप और कल्टीवेशन के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार ने यह जरूर सुनिश्चित किया है कि एलाइड एक्टिविटीज जो हैं, जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, हमारे इसके अलावा कोई डेयरी फार्मिंग या इस तरह के कार्य कोई करना चाहता है या कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो ऐसे कृषि से संबंधित, डायरेक्ट कृषि नहीं बट कृषि से संबंधित ऐसे कारोबारियों के लिए हमारी यह मुद्रा स्कीम लोन उसमें उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, सूक्ष्म और छोटे जो लोग हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये लोन उपलब्ध कराती है। तो क्या राशि, कितनी राशि तक का लोन उन्हें दिया जा सकता है? मुद्रा, जैसा हमने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। 50,000 तक की राशि शिशु में उपलब्ध है, दूसरी राशि किशोर में 5,00,000 तक उपलब्ध है, तीसरी तरुण की जो राशि है वह 10,00,000 तक जाती है। जी। और इस राशि से आप अपना कारोबार
स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, या उससे कुछ और भी एडिशन करना चाहते हैं इस तरह के काम में, तो इस राशि का इस्तेमाल कर आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। जी प्रेम जी, हमारे एक किसान भाई हैं किशन कुमार जी मुरादाबाद से, तो वो ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने हाल ही में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने का सोचा है, तो वो जानना चाहते हैं कि इसमें आवेदन की क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे सारे सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, NBFCs, लघु जो बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इस तरह के एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी जगह उपलब्ध हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, आसान है अप्लाई करना। आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिस कार्यालय में जाइए, वहाँ पर आपको ऋण के लिए उपलब्ध आपको कराने के लिए एक आवेदन देना होता है। उसमें बहुत ही सामान्य रूप से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, कि आपके पहचान पत्र क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ क्या है, एवं जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो आप बिजनेस में आप जिसके लिए आप लोन की इच्छा रखते हैं, उसका हमें स्वरूप देना होता है, कि आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, कितनी आमदनी इसमें आएगी, कितना खर्च आएगा और कैसे उस ऋण का भुगतान होगा। बैंक अगर यह सुनिश्चित कर लेता है और यह जान लेता है कि आप सही आदमी हैं और सही पते पर रह रहे हैं, तो इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आप जाएं बैंक में और ये आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूँगी प्रेम जी कि बहुत किसी कारणवश अगर कोई किसान अपनी EMI नहीं दे सका, तो ऐसी स्थिति में आपका बैंक का क्या प्रावधान रहेगा? लोन नहीं भुगतान करने की प्रक्रिया में तो आपको यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन का भुगतान नहीं करता है तो बैंक्स आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट का प्रावधान होता है। आप पेनल इंटरेस्ट के भागी होते हैं, जो सामान्य दर से 2% अधिक होता है जी। एवं इसके अलावा बैंक आप पर कार्रवाई कर सकती है, लीगल नोटिस भेज सकती है ताकि आप बैंक के ऋण का भुगतान करें। और इसके अलावा जैसा कि आप हमारे सभी लोग आजकल परिचित हैं कि सिबिल एक स्कोर होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि आपके ऋण भुगतान का इतिहास रहता है और उस इतिहास के आधार पर आपके स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने ऋण भुगतान में समय पर भुगतान नहीं किया है या उसमें डिफॉल्टर हो रहे हैं, तो वह स्कोर आपका बहुत कम हो जाएगा। उसके वजह से आप आगे कहीं और बैंक से आप लोन नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह सबों से निवेदन है कि जो भी लोन लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या किसी और योजना के तहत भी या और किसी भी स्कीम में लेते हैं, तो लोन को जरूर समय पर चुकता करें और अगले लोन की अपेक्षा रखें ताकि आपको सभी बैंक प्रदान करें, नहीं तो आपके लिए अगला लोन लेना मुश्किल होगा किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने बताया कि इसमें शिशु, तरुण और किशोर तीन कैटेगरीज में आप इसमें लोन ले सकते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितना जो छोटे और सूक्ष्म किसान हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ऐसे किसान किस तरह से कितनी राशि तक का लोन उन्हें दिया जा सकता है? यह राशि कोई उनके मन पर नहीं है, उनके कारोबार का स्वरूप, कारोबार का जो स्वरूप होता है बैंक उस पर निर्धारित करती है। हो सकता है कोई हमारे व्यापारी वर्ग आए जो सीधे कहें कि हमें 10 लाख की आवश्यकता है, तो वह बैंक अचानक 10 लाख उन्हें नहीं देगा। अगर उनका कार्य का स्वरूप ऐसा है कि जस्टिफिकेशन बनता है कि 10 लाख का टर्नओवर या उस हिसाब से उनके काम की आवश्यकता है, तो बैंक 10 लाख भी देता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्वरूप कैसा होगा और किस तरह से आप आमदनी उसमें जनरेट करेंगे, उस पर निर्भर करेगा कि कौन सी राशि आपको बैंक उपलब्ध कराए। हाँ, एक राशि आप जरूर कहेंगे बैंक को कि मुझे इस राशि की आवश्यकता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वह बैंक का होता है कि जो राशि आप मांग रहे हैं वह पूर्ण तरह ठीक है या इसमें कमी बेसी की गुंजाइश है।
तो उस आधार पर फिर बैंक आपको लोन मुहैया कराते। तो एक बात और पूछना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान है, महिलाओं को भी इसमें लोन दिया जा सकता है? महिलाओं के लिए तो सारे बैंक्स बढ़ चढ़ कर के लोन दे रहे हैं इस स्कीम में, क्योंकि महिलाओं का रिपेमेंट इतिहास जो पाया गया है वह काफ़ी अच्छा पाया गया है। उन्होंने संजीदगी से इस लोन का उपयोग किया है और इस लोन को समय पे भुगतान किया है। तो हमारे बैंक्स में अगर पाएंगे, और आपने अगर रिकॉर्ड भी देखा होगा, तो महिला उद्यमी करीब 68% महिला उद्यमी हैं जिन्होंने इस लोन का लाभ लिया है। तो महिलाएं हमारे लिए तो प्रथम हैं इस स्कीम के तहत। किसान भाइयों को इस लोन को लेने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी हम ऋण लेने जाते हैं तो हमें कोई अपनी जायदाद या कोई ऐसी चीज़ जमा करानी पड़ती है, तो इस ऋण में भी कुछ ऐसे बैंक की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान है क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इसकी व्यवस्था की गई है कि 10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी प्रतिभूति यानी कोलैटरल सिक्योरिटी या जायदाद या संपत्ति की मांग ना की जाए। इसमें सरकार ने बड़ा ही एक अच्छा स्कीम इसके तहत और भी लगाया हुआ है, जिसको कहते हैं CGFMU, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा लोन्स। तो इसके तहत ये सारे लोन्स गारंटीड होते हैं सरकार द्वारा। तो बैंक्स को यह निर्देश है कि 10 लाख तक के लोन के लिए किसी भी एडिशनल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की मांग ना करें। जो वह फाइनेंस कर रहे हैं, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, वही बैंक का मूल रूप से सिक्योरिटी होगा और उसके तहत हम उनको ऋण मुहैया कराएंगे। जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ज़्यादातर किसान भाई टेक्निकली इतने अच्छे नहीं रहते, तो उन्हें किस तरह से मतलब इसको इसमें आवेदन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या आसान तरीका है उनका? अगर वो ऑनलाइन जाना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? फिलहाल जैसे कि अब दुनिया हमारी डिजिटल युग की तरफ बढ़ रही है, तो बैंकों ने यह प्रावधान किया है कि 50,000 तक के मुद्रा लोन स्कीम के तहत 50,000 की जो राशि है उसको डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं कोई भी हमारे ग्राहक या जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। ऑनलाइन जाएं, बैंक के वेबसाइट पर यह लिंक्स उपलब्ध हैं जहां पर अप्लाई फॉर मुद्रा लोन या अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ लोन, ये स्कीम्स वहां डिस्क्राइब्ड हैं, वहां दिए हुए हैं। तो उसके तहत जा कर के आपको अपने वहां वन क्लिक से आप उस स्क्रीन को खोलते हैं और उसमें आपको जो भी डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे नाम आपका, आधार, पैन, फिर आपको बिजनेस का डिटेल्स, वह जैसे जैसे वह मांग करेगा वह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आप पुटअप करें ऑनलाइन। और वह ऐसी सुविधा है कि जैसे ही आपने अपना वह सारा ब्यौरा वहाँ दर्ज किया, उसके विद इन फ्यू मिनट्स ही आपके अकाउंट में वह पैसा 50,000 तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो डिजिटल युग के अनुसार यह सुविधा भी बैंकों में कुछ एक बैंकों ने लागू किया है और धीरे धीरे उम्मीद है सारे बैंक्स इसको लागू कर देंगे। और बाकी अन्य इसके अलावा डिजिटल तो है कि आप एक और साइट है ऑनलाइन PSB Loans in 59 Minutes, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। PSB Loans in 59 Minutes एक साइट है जिस पर अगर आप विजिट करें तो उस पर भी आपका ब्यौरा आप दर्ज करा करके अपने आप को इसके लिए मुद्रा लोन के लिए आप अपने आप को लाभ इसका लाभ ले सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए प्रेमशंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी मुद्रा लोन योजना के बारे में। इस योजना से आपको जितनी जानकारी मिली, उम्मीद है कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। चलते चलते देखते हैं हमारा ईमेल आईडी, और हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। अगर आपका कोई सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ, इस तरह से आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर भी भेज सकते हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-11-3060, और ये खुला रहता है सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक। आज के इस एपिसोड में इतना ही।
देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।